आपने एक प्योर इंडक्टर लिया, प्योर इंडक्टर को एसी में, एसी सर्किट में आपने डाल दिया, तो आपका अप्लाइड ईएमएफ कितना है? अप्लाइड ईएमएफ ई इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है? और क्योंकि ईएमएफ वेरिएबल है तो करंट भी वेरिएबल है, इंस्टेंटेनियस करंट बी आई, किसी इंस्टेंट पर करंट फ्लो कर रही है इसके अंदर, इस प्योर इंडक्टर के अंदर कितनी करंट फ्लो कर रही है? आई। हालांकि ये वेरिएबल है, लेकिन किसी एक सर्टेन टाइम टी पर इसकी वैल्यू कितनी है? टी है। तो क्योंकि ये करंट चेंज हो रही है, क्योंकि ये करंट चेंज हो रही है, तो फिर क्या होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द एंड्स ऑफ इंडक्टर, किसके कारण? ड्यू टू वेरिएबल करंट, करंट क्योंकि वेरिएबल है, इस वेरिएबल करंट के कारण एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाना है। और कितना ईएमएफ इंड्यूस होना है आपको पता है? ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाय डी टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल्स माइनस एल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू इट। अब एक ईएमएफ तो यहां इंड्यूस हुआ, ये आपका सर्किट कैसे है? सर्किट ऐसे है कि आपने ये इंडक्टर को लगाया हुआ है, किससे लगाया हुआ है? सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से लगाया हुआ है। ईएमएफ का सोर्स, ईएमएफ का सोर्स का ईएमएफ कितना है? ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और क्योंकि करंट वेरिएबल है तो इस इंडक्टर के अक्रॉस एक इंड्यूस्ड हो गया ईएमएफ ई डैश, और ई डैश कैसा होगा? इस ई के तो हमेशा अपोजिट ही होगा, क्यों? क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, लेंज लॉ ने क्या बताया था? लेंज ने क्या बताया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपोज करेगा, ठीक? लेकिन फिर भी अगर आप करंट इसमें एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, करंट अगर इसमें एस्टेब्लिश्ड है, तो उस कंडीशन में क्या कंडीशन बनती है आपकी? कंडीशन ये बनेगी कि आपका जो अप्लाइड ईएमएफ है वो कम से कम इक्वल हो और अपोजिट हो किसके? इंड्यूस्ड ईएमएफ के, फॉर फॉर सस्टेन्ड करंट, सस्टेन्ड करंट के लिए आपका क्या होना चाहिए? अप्लाइड ई एम एफ मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू इंड्यूस्ड ई एम एफ। मतलब आपका जो ई एम एफ है, अप्लाइड ई एम एफ, ये इंड्यूस्ड ई एम एफ के कम से कम इक्वल और अपोजिट तो हो ही। अप्लाइड ई एम एफ कितना कितना आपने अप्लाई किया है? ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है? और इंड्यूस कितना हुआ है? माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो फिर आपके लिए क्या हो? ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स माइनस माइनस एल डी आई बाय डी टी। तो फिर इसको मैं चेंज करूं, डी आई इज इक्वल्स टू कितना बनेगा? ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी, सही किया है? नहीं, एल यहां अपॉन में आ गया, डी टी मल्टीप्लाई में चला गया। तो फिर करंट कितनी निकालेंगे हम? इंटीग्रेटिंग, इधर नेट करंट, टोटल करंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डी आई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और यहां कितना करना पड़ेगा? ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी, ये आपने यहां इंटीग्रेट करना है। करंट का इंटीग्रेशन कितना होगा? टोटल करंट आई, ठीक है? और यहां आपको जो इंटीग्रेट करना है, तो ई नॉट और एल दोनों कांस्टेंट है, ई नॉट अप्लाइड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू,
और ये एल क्या चीज है, एल डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडक्टर पर। एक बार आपने बना लिया तो ये भी कांस्टेंट है, तो अब आपको क्या करना है, साइन साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना है, माइनस कॉस ओमेगा टी और डिवाइडेड बाय ओमेगा आ जाएगा चेन रूल से। तो सीधा सीधा हम इंटीग्रेशन लिख देते हैं, यहाँ कितना है ये बना, आई इक्वल्स ई नॉट बाय एल माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा प्लस सी। सी समझते हो क्या है, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्योंकि यहां हमारे पास लिमिट्स नहीं है, ये हमने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किया है दोनों तरफ। लिमिट्स होते हैं तो जब लिमिट्स होती तो ये हमारा कांस्टेंट खत्म हो जाता है उसमें से, तो यहां अब आपका ये कांस्टेंट बना वेयर सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हाँ जी, कांस्टेंट है। अब पिछले जन्म की बात है, वैसे तो उम्मीद नहीं मुझे किसी को याद होगा, लेकिन किसी भी फिजिकल इक्वेशन की वैलिडिटी के लिए डायमेंशनली क्या कंडीशंस होनी चाहिए, किसी भी फिजिकल इक्वेशन की वैलिड होने के लिए डायमेंशनली क्या कंडीशन होनी चाहिए, कोई बात नहीं, ना ये चीज बोर्ड में आएगी और ना जीवन में कभी काम में आएगी। क्या होनी चाहिए कि किसी भी इक्वेशन, फिजिकल इक्वेशन की वैलिड होने के लिए जरूरी है कि इस इक्वेशन के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के डायमेंशन सेम हो। अगर यहां करंट है तो घूम फिर के ये सब भी क्या है, ये सब भी क्या है, ये भी करंट ही है, और ये जो कांस्टेंट है ये भी क्या है, करंट है, क्योंकि इसका अगर यूनिट एम्पियर है तो इस पूरे की भी, चाहिए देखने में इसमें कहीं भी करंट ना रहा हो, लेकिन सारे जोड़ तोड़ लगा के सारी डायमेंशन लिखने के बाद में इसके अल्टीमेट डायमेंशन करंट की डायमेंशन ही निकल कर आएगी, और ये भी इसकी डायमेंशन क्या है, करंट की डायमेंशन है। अब यहां देखिए ध्यान से कि सी करंट है और सी कांस्टेंट भी है, सी करंट भी है और सी कांस्टेंट भी है। करंट क्यों है, क्योंकि पूरी इक्वेशन वैलिडिटी के लिए जरूरी है कि सी के डायमेंशन भी वही हो जो आई के डायमेंशन है, यानी एम्पियर। और आपने कहा कि मैथमेटिक इंटीग्रेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, ये इसकी यूनिट कितनी होनी चाहिए, इसकी यूनिट एम्पियर होनी चाहिए, करंट है, करंट भी है कॉन्स्टेंट भी है। लेकिन अभी पीछे हमने देखा था, क्या देखा, बहुत सारे ग्राफ बनाए, उन सभी ग्राफ में जो करंट है वो टाइम के साथ साथ वेरिएबल है, 0 से I0 तक इंक्रीज होती, 0 तक -I0 तक इंक्रीज होती, फिर 0 आती, फिर करंट कांस्टेंट है ही नहीं यहाँ, कोई भी करंट कांस्टेंट यहाँ है ही नहीं। तो इसके लिए एक लैंग्वेज लिखी जाती है, सिंस डायमेंशन ऑफ सी इज दैट ऑफ आई, हेंस सी इज अ करंट, सी करंट है। लेकिन इसका उल्टा क्या आ रहा है, इन एसी सर्किट, इन एसी सर्किट करंट फ्लक्चुएट बिटवीन 0 एंड I0 पीरियोडिकली, बल्कि I0 भी नहीं, बल्कि I0 से -I0 तक, क्योंकि माइनस प्लस आई नॉट भी जाती है, फिर 0 होती है, फिर -I0 जाती है, फिर 0 होती है, ठीक है। हेंस देयर इज नो
कंपोनेंट ऑफ करंट विच इज कांस्टेंट। करंट कहीं कांस्टेंट है ही नहीं, और इस इक्वेशन में ये करंट भी है और ये कांस्टेंट भी है, और एसी सर्किट में ऐसा होता ही नहीं। तो सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, क्योंकि एसी सर्किट में करंट कभी कांस्टेंट रहती नहीं है। हेंस सी इक्वल्स जीरो। तो अब आपके पास क्या बचा? आई इक्वल्स ई नॉट बाय एल, बल्कि माइनस बाहर ले लूं, ओमेगा एल ये हो गया, और क्या बचा? ये आपका कॉस ओमेगा टी। उसके बाद फिर वही बात है कि हमें इस करंट को कंपेयर करना है अपनी ई नॉट साइन ओमेगा टी से, तो इसे साइन में लाना है। साइन में लाने के लिए इसे लिखा जाएगा साइन, उल्टा लिख दिया मैंने, 90 माइनस थीटा, सही है, पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी, करेक्ट। और इसे अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो क्या बनेगा? ये साइन माइनस थीटा इक्वल्स होता है कितना? साइन माइनस थीटा इक्वल्स साइन थीटा। तो क्या बन गया ये? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और अब अल्टीमेटली आपके पास रहेगी क्या? ई नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसका मतलब करंट कैसी है? टाइम वेरिएबल है। ई नॉट कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, लेकिन टाइम वेरिएबल है, तो करंट भी वेरिएबल है। ठीक है, अब इसे आप कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद इक्वेशन ऑफ ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। कौन सी थी इक्वेशन अल्टरनेटिंग ईएमएफ की? ई इक्वल्स साइन ओमेगा टी। तो यहां देखें, ईएमएफ में तो ओमेगा टी आ रहा है, लेकिन करंट की वैल्यू में आ रहा है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो क्या कहा जाएगा यहां से? कहा क्या जाएगा? हम कहेंगे करंट लैग, करंट पीछे चल रही, करंट पीछे क्या द ईएमएफ, कितने एंगल से पीछे? बाय फेस एंगल पाई बाय टू। इसी को दूसरे वर्ड में कैसे लिख सकते हैं? और ईएमएफ लीड्स द करंट बाय फेस एंगल पाई बाय टू। या तो कहो कि करंट पीछे चल रही है, या कहो कि आपका ईएमएफ आगे चल रहा है, क्योंकि ईएमएफ में माइनस पाई बाई टू नहीं है, यहाँ पाई बाई टू। अब करंट की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी बताओ? जब ये पूरा का पूरा साइन का साइन की पूरी वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। ठीक, तो करंट इज मैक्सिमम, करंट इज मैक्सिमम कब? व्हेन साइन पूरा का पूरा कितना? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इक्वल्स वन। और मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट जिसे हम आई नॉट से लिखेंगे कितना? कि इस पूरी इक्वेशन में आपका ये वाई साइन साइन फैक्टर पूरा वन हो गया, तो मैक्सिमम करंट कितनी बची? मैक्सिमम करंट बची ई नॉट बाय ओमेगा एल। कितनी करंट हुई? ई नॉट बाय ओमेगा एल। ठीक है, अच्छा ग्राफ हम बाद में बना लेंगे, जरा पहले वही बात डिस्कस कर लें जो हमने अभी पीछे कैपेसिटर में की थी। क्या? कंपेयरिंग विद ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स वोल्टेज यानी कि ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन। इससे अगर आप कंपेयर करें, करंट ये रहा इज इक्वल टू ये रहा, ईएमएफ ये रहा, तो इसका मतलब ये जो ओमेगा एल है, ये ओमेगा एल क्या है? दिस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय प्योर इंडक्टर इन एसी सर्किट। तो क्या आएगा? हेंस ओमेगा एल रिप्रेजेंट ऑब्स्ट्रक्शन
ऑफर्ड बाय प्योर इंडक्टर इन इन द पाथ ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। और यहां भी इसका एक नया नाम है कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब एक्सएल कितना हुआ, हेंस एक्सएल इक्वल्स ओमेगा एल, यूनिट इसकी कितनी, ओम। इस ओमेगा को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल, या इसको फ्रीक्वेंसी में रहने दो आप। यहां से क्या निकल कर आया रिजल्ट, एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ऑल्टरनेटिंग करंट की, उतना ही ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा ये, ठीक है। इन स्टडी करंट, स्टडी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, जीरो, बदलती नहीं, तो एक्सएल की वैल्यू भी कितनी होगी, 0 ओम हो जाएगी। और अगर आप एक्सएल और फ्रीक्वेंसी के बीच एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, एक्सएल और ये फ्रीक्वेंसी, इनके बीच में अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो सीधी बात है एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, उतना ही ज्यादा ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा। मतलब क्या हुआ कि जो फैन हमारे 50 हर्ज एसी पर ऑपरेट करने के लिए बनाए गए हैं, उनमें ढेर सारा बहुत सारी इंडक्टर्स लगे हैं, कॉइल्स लगी हैं, उन्हीं को अगर 60 हर्ज एसी पर चला दिया जाए, तो वो अब ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेंगे करंट के रास्ते में, ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे, करंट को कम चलने देंगे, तो उतनी स्पीड पर नहीं चलेगा जितनी स्पीड पर आप चल रहा है 50 हर्ज पर। अगर 45 हर्ज पर चला दिया, तो कम ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, करंट जरूरत से ज्यादा फ्लो करेगी, और थोड़ी देर बाद क्या होगा, इसमें लाएगी कुछ जल रहा है, और बिजली वाले में भैया क्या कहेंगे, तुम्हारा पंखा भुग गया जी। इसलिए एसी का फ्रीक्वेंसी, एसी में तीनों चीजें मैटर करती हैं, कितना वोल्टेज है, कितनी करंट है, और साथ साथ क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है। तीनों में से कोई भी एक फैक्टर चेंज होने पर सारे पैरामीटर्स बदल जाते हैं, जबकि स्टडी करंट के लिए केवल वोल्टेज और करंट ही मैटर करता है, वहां फ्रीक्वेंसी का कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसकी वही टेबल और ग्राफ बनाना है, उम्मीद है कुछ आप बना पाएंगे, कल बना के लाइएगा उसे।